वरुण धवन श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म को मिल गया ये नाम। वरुण धवन को डांस आता है और श्रद्धा कपूर को भी। दोनों ने रेमो डिसूजा की डांस फिल्म ABCD2 में इसको साबित भी किया था और अब फिर से दोनों डांस का एक और नमूना दिखाने आ रहे हैं जिसकी रिलीज डेट घोषित कर दी गई है। वरुण और श्रद्धा की फिल्म जिसे पहले ABC3D कहा जा रहा था और अब सोशल मीडिया पर 3 इज कमिंग का नाम दिया गया, लेकिन फाइनली फिल्म को नाम मिल गया है एल। इस फिल्म का नाम स्ट्रीट डांसर रखा गया है एल। मिथुन चक्रवर्ती को अब तक उनके डिस्को डांसर के रोल के कारण स्ट्रीट डांसर कहा जाता रहा है एल। ये फिल्म इस साल 8 नवंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में पहले वरुण धवन के साथ कटरीना कैफ थी, लेकिन बाद में उन्होंने डेट कमिटमेंट के कारण फिल्म छोड़ दी। इसके बाद फिल्म में श्रद्धा कपूर शामिल किया गया। इस फिल्म के निर्माण में शामिल टी सीरीज की तरफ से आधिकारिक घोषणा की गई है कि इस फिल्म में श्रद्धा कपूर एक बार फिर से वरुण धवन के साथ नजर आने वाली हैं। रेमो के साथ इस जोड़ी ने ABCD2 में काम किया था और फिल्म सफल रही थी एल। श्रद्धा फिल्म में प्रोफेशनल डांसर के किरदार में नजर आने वाली हैं। फिल्म की शूटिंग पंजाब में शुरू हो चुकी है। खबर है कि इस फिल्म में हॉलीवुड फिल्म स्टेप अप के कई डांस फेस ऑफ्स नजर आने वाले हैं। श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा है कि मैं एक बार फिर से रेमो सर, प्रभुदेवा सर और वरुण के साथ दोबारा काम करने को लेकर बेहद खुश हूँ एल। रेमो का इस बारे में कहना है कि यह कुछ वैसा ही है कि जैसे एक बार फिर से हम पुराने दोस्त एक दूसरे के साथ फिल्म पर काम करने जा रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म में वरुण पंजाबी लड़के का किरदार निभाने जा रहे हैं जो कि लंदन में पल्ला बढ़ा होगा। फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग लंदन में भी होगी। फिल्म में शक्ति मोहन अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करेंगी।